चैंपियनशिप भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2023 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा है। वो पिछले साल जीता हुआ अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। रविवार सोमवार की रात अमेरिका के यूजीन में खेले गए फाइनल इवेंट में नीरज ने मौजूदा सीजन के 83.80 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब ने 84.24 मीटर के स्कोर के साथ गोल्ड जीत लिया। फिनिश थ्रोअर ओलिवर हिलाल्डर ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली। 25 साल के नीरज ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इस लीग को 11वीं मिनट में 85.71 मीटर के बेस्ट स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने लीग के पिछले सीजन में गोल्ड भी जीता था। अमेरिका के यूजीन शहर में नीरज का बेस्ट थ्रो दूसरे प्रयास में आया है। उनका पहला प्रयास फाउल रहा। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 83.80 मीटर भाला फेंका और इस स्कोर के साथ वो स्कोर बोर्ड में दूसरे नंबर पर आ गए और आखिरी तक इसी पोजीशन पर कायम रहे। वहीं गोल्ड जीतने वाले जैकब ने 84.1 मीटर से शुरुआत की। उनका दूसरा, तीसरा और चौथा प्रयास फाउल रहा। फिर जैकब ने 82.58 का स्कोर किया। उन्होंने आखिरी प्रयास में अपना स्कोर सुधारते हुए 84.24 मीटर का डिस्टेंस। नीरज एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों के गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। भारत ओलंपिक्स में साल 1900 से शिरकत कर रहा है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में नीरज से पहले किसी भारतीय ने गोल्ड छोड़िए किसी ने किसी भी कलर का मेडल नहीं जीता था। नीरज से पहले मिल्खा सिंह और पीटी उषा का अलग अलग ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था। डायमंड लीग एथलेटिक्स का एक टूर्नामेंट है जिसमें कि एथलेटिक्स के 16 इवेंट होते हैं। यह हर साल दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। डायमंड लीग एथलेटिक्स सीरीज हर साल मई से सितंबर तक आयोजित की जाती है और सीजन का समापन डायमंड लीग फाइनल के साथ होता है। आम तौर पर डायमंड लीग के सीजन में प्रतियोगिताओं की संख्या 14 होती है जिसमें कि फाइनल भी शामिल होता है, लेकिन कभी कभी यह संख्या बदल भी जाती है। हर इवेंट में टॉप 8 खिलाड़ियों को पॉइंट्स मिलते हैं। पहले नंबर के खिलाड़ी को 8 और 8वें नंबर के खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलता है। 13 इवेंट के बाद सभी खिलाड़ियों के पॉइंट्स काउंट होते हैं। टॉप 10 पोजीशन पर फिनिश करने वाले खिलाड़ियों को डायमंड लीग फाइनल में जगह मिलती है। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को डायमंड लीग विजेता की ट्रॉफी और कैश प्राइज भी दिया जाता है। एक बार फिर से बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2023 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वो पिछले साल जीता हुआ अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। रविवार सोमवार की रात अमेरिका के यूजीन में खेले गए फाइनल इवेंट में नीरज ने मौजूदा सीजन के 83.80 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब ने 84.24 मीटर के स्कोर के साथ गोल्ड जीत लिया।